भाई पाला इतना जबरदस्त पड़ रहा है आपकी बार, पूरे वर्मी बेड के ऊपर ये सब सफेद सफेद चादर दिख रहे हैं। ये सफेद हिस्सा दिख रहा है ये पाले का, ये एक तरह से लगा लो बर्फ ही जम रही है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल बर्फ जम रहा है इसमें। ये देखिए बर्फ है पाला जिसको हम बोलते हैं। ये बर्फ ही है और ये पूरे बेडों के ऊपर। अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, सर्दी पड़ी तो कम है लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ बर्फ बन जा रही है। इससे कैंचू को पाले से ही नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। पाले से होता क्या है, ये जो बर्फ़ पड़ रही है ये देखिए, इससे कैंचुए अगर आपने कवर नहीं किए तो मर सकते हैं कैंचुए, इतनी ज़्यादा ठंड है। क्योंकि जो बेड है अंदर का टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा है और ऊपर से पाला पड़ रहा है, अगर आपने कवर नहीं किया। इसके लिए अगर जो लोग बोलते हैं कि ग्रीन नेट लगाओ, ग्रीन नेट लगाओ, अगर आपने ग्रीन नेट लगाए तो सब कुछ बराबर ही हो जाएगा मान के चलो, क्योंकि वो रोक ही नहीं पाता सर्दी को। हम तो पराली को कई गुना बढ़ा देते हैं तब जाके बचता है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा गर्मी के अंदर भी ऊपर जो ग्रीन पर्दा होता है वो फैल हो जाता है, और ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी फैल हो जाता है। तो फैल होने का मतलब ये हो कि आपकी यूनिट बंद ही हो गई, तो क्या फ़ायदा है ऐसा ग्रीन नेट का। तो कोशिश ये करो कि ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो, जिसका फ़ायदा हो ना कि नुकसान।